हेलो फ्रेंड्स, आज मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी कि चालू वर्तमान काल के बारे में आपको जानकारी दूंगा। अब देखिए, चालू वर्तमान काल, अब देखिए इस शब्द पर ज़रा गौर से। चालू मतलब कि कोई एक्शन, कोई क्रिया चालू है और वो भी वर्तमान काल में। तो वर्तमान काल में कोई क्रिया चालू है, ये जब हम कोई क्रिया चालू है ऐसा हम बताना चाहते हैं तब इस काल का उपयोग हम करते हैं। अब देखिए, सिंपल से ज़रा अलग है। सिंपल में हमारी रोज बरोज की जो क्रियाएं होती है उसका हम उल्लेख करते हैं, पर यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी कि चालू वर्तमान काल में कोई क्रिया अभी इसी वक्त हो रही है यानी कि चालू है, ये दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एम इज आर, फिर वर्ब प्लस आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं। अब देखिए, सब्जेक्ट है, उसके बाद एम सिर्फ आई के लिए, इज ही सी इट के लिए और आर का प्रयोग हम वी यू और धे के लिए करेंगे। अब इसका नेगेटिव जो फॉर्म है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एम इज आर के बाद नॉट का प्रयोग करना है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये जो इज, एम और आर, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायकारी क्रियापद कहते हैं, वो वाक्य की शुरुआत में हम उसका प्रयोग करेंगे। तो इस तरह एक फॉर्मूला है, पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर तुरंत हम नॉट का प्रयोग करेंगे। उसी तरह शुरू में अगर हम इज, एम और आर का प्रयोग करेंगे तो ये प्रश्न वाक्य बन जाएगा, जैसे कि आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, काम करने की क्रिया अभी मेरी चालू है। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग विथ यू, तो ये जो क्रिया चालू है, चालू क्रिया हमको जब हम कोई चालू क्रिया है ऐसा हम उल्लेख करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो हम इस काल का प्रयोग करते हैं। इट इज़ नॉट वर्किंग, ये नेगेटिव फॉर्म है, और आर यू वर्किंग, ए इंट्रोगेटिव फॉर्म है। हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया, मगर हम कर सकते हैं, जैसे कि आई एम राइटिंग अ लेटर, यू आर ड्रिंकिंग मिल्क, दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स। इस तरह जब कोई क्रिया चालू है और उस क्रिया को हम पेश करना चाहते हैं तो ये वर्तमान काल बनता है, चालू वर्तमान काल बनता है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण देखिए, लुक बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, देखिए लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, मतलब कि अभी वो क्रिया चालू है। सी स्लीपिंग एट द मोमेंट यानी कि अभी वो सो रही है। जैक इज कटिंग अ मैंगो नाउ, जैक अभी आम काट रहा है, आम काटने की क्रिया चालू है। वी आर रशिंग टू द एयरपोर्ट टू मीट मिस्टर विल स्मिथ, वी आर रशिंग, तो ये जो है वो चालू क्रिया है, हम जा रहे हैं एयरपोर्ट पर मिस्टर विल स्मिथ को मिलने के लिए। तो रशिंग यानी कि त्वरितता से, बहुत ही झड़प से, जैसे हम बोलते हैं कि जल्दी से जाने की क्रिया, टू रश। माय फेवरेट मूवी इज स्टार्टिंग इन अ मिनट, इट इज रेनिंग एट द मोमेंट, आई एम प्लानिंग अ स्नो बोर्डिंग
ट्रिप, यहाँ पर स्नोबोर्डिंग ट्रिप का आयोजन मैं कर रहा हूँ, ऐसा कहा गया है। इट इज़ रेनिंग एट द मोमेंट, अभी बारिश हो रही है। माई फेवरेट मूवी इज स्टार्टिंग इन अ मिनट, मेरी जो प्रिय फिल्म है वो अभी शुरू होने जा रही है। तो ये जो है सारी क्रियाएं अभी हो रही है, ऐसा इसमें उल्लेख किया गया है। आई एम लिविंग विथ माई केयरिंग लविंग पेरेंट्स, मैं मेरे माता पिता के साथ रह रहा हूँ जो बहुत ही केयरफुल है, बहुत ही लविंग यानी कि बहुत ही प्रेम करते हैं मुझे, ऐसे माता पिता के साथ मैं रह रहा हूँ। आई एम वॉचिंग अ वीडियो टेप अबाउट द सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट का मैं वीडियो देख रहा हूँ। जूरी इज़ आर्ग्यूइंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एविडेंस, जूरी जो है वो एविडेंस का क्या महत्व है उसके बारे में वो दलील कर रही है। आर यू गोइंग टू पे बाय क्रेडिट कार्ड और कैश नाउ, यहाँ पर प्रश्नवाक्य है। प्रश्नवाक्य में वाक्य की शुरू में हमने आर का प्रयोग किया, क्या आप किस तरह से क्रेडिट करना चाहते हैं। आर यू गोइंग टू पे बाय क्रेडिट कार्ड और कैश नाउ। द फ्लाइज आर बजिंग अराउंड द हॉर्स टेल, जो घोड़ा है, घोड़े की जो पूंछ है उसके आसपास मक्खियाँ बजिंग कर रही है यानी कि वो आवाज़ कर रही है। वॉट इज द कस्टमर आस्किंग द टेलर टू डू, ग्राहक जो है वो टेलर को क्या कह रहा है। आई एम गिविंग डांस क्लासेस ऑन यूट्यूब फ्रॉम माई हाउस, मैं मेरे घर से डांस क्लासिक यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। माइक इज़ गिविंग हिज ओपिनियन अगेंस्ट द सेल्स ऑफिसर्स डिसीजन, माइक जो है वो अपना मत दे रहा है जो सेल्स ऑफिसर है उसके विचार के बारे में। आर यू पेइंग अटेंशन, इफ़ यू आर नॉट यू विल मिस मैनी थिंग्स, क्या आप अपना ध्यान दे रहे हैं वरना आपको बहुत कुछ मिस करना पड़ेगा। दे आर ब्रिंगिंग अ टेलीविज़न सेट इन टू द क्लासरूम, वे लोग क्लासरूम में टेलीविज़न ला रहे हैं। वॉट आर यू डूइंग टू डू विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, जो वेजिटेबल स्क्रैप्स है यानी कि आपने सब्जी काट कर रखी है और सब्जी का जो बिन जरूरी हिस्सा है उसका आप क्या करेंगे। द चिल्ड्रन आर वेयरिंग हैट्स सो दे विल नॉट गेट सनबर्न्ड, बच्चे लोग हैट्स पहन रखी है क्योंकि उन्हें गर्मी से उनकी जो चमड़ी होती है वो न जल जाए। आई हैवन सीन सारा दिस मॉर्निंग, इज सी वर्किंग टुडे, मतलब कि मैंने सारा को सुबह से देखी नहीं है, तो क्या वो कुछ काम कर रही है। तो आपने देखा कि यहाँ पर सारे सेंटेंसेस जो है वो अभी कोई क्रिया हो रही है ऐसा इसमें बताया गया है। जब भी कोई क्रिया बन रही हो तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग करते हैं, ज़्यादातर इस टेंस के साथ नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, लुक, ऐसे एडवर्ब्स का हम उपयोग करते हैं। तो इस कार्यक्रम में आज हमने चालू वर्तमान काल के बारे में बताया। फिर से आपको बता रहा हूँ, चालू वर्तमान काल में इज, एम और आर का प्रयोग हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं और क्रियापद को आईएनजी प्रत्यय हम ऐड करते हैं। धन्यवाद।